काम की। हम तो बीजेपी के हैं, जो बीजेपी के जाएंगे, बीजेपी के कट्टर बीजेपी, कट्टर बीजेपी। कांग्रेस को देखें साहब, कांग्रेस को गहलोत जी ने सारी सुविधा की है, सारी सुविधा। कह रहे अल्पसंख्यकों को मकान दे रहे हो, तो या का वोट तो जीता साहब, ये तो कांग्रेस आएगी जो दोबारा, वो कांग्रेस से टिकट लाएंगे और उसको वोट देंगे। हमारे भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह का जबरदस्त हुआ है। तो किसको वोट देना चाहेंगे? जो बढ़िया आदमी होगा, जो बढ़िया काम करेगा उसके लिए देंगे, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। सड़क पानी बिजली कुछ नहीं बढ़वा, महुआ में ना हो और जी हो भाई काम, महुआ में कतई काम ना हो, तो प्याऊ को पानी ना स्टैंड में कतई, काय को विधायक है। हमने तो कांग्रेस को बनवाना, कांग्रेस का योजनाएं अच्छी लगी हैं। वहाँ पानी की सुविधा नहीं आ रही, नलर में पानी दाई ना रही। हाँ, और ये बोर कटे हैं, अब ये टंकी बारे ये नल नहीं आ रहे। जो बढ़िया लगा, जो को वोट है, जो काम कराया को जो को वोट है, वो आपके विधायक। बहुत बढ़िया काम हुआ साहब, बहुत अच्छा काम हुआ साहब, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो किसको वोट जाएगा? ओरला को। ओरला पार्टी को या कैंडिडेट? पार्टी को जाएगा। पार्टी कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी को। मेरा तो बीजेपी। बीजेपी को कारण? वैसा ही कारण है, वो अपनी समझ। मीना और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। हम पहुंचे हैं दौसा जिले के महुआ विधानसभा में, यहाँ का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और जानेंगे जनता से कि ग्राउंड पर आखिर किस तरह का काम किया गया है। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार पिछली बार रहे थे, वो विधायक चुने गए थे, ओपी हुडला यानी ओम प्रकाश हुडला। उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह के काम किए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक कुरैशी। फारूक जी, किस तरह का काम आपकी विधानसभा में हुआ और क्या लगता है आप उससे संतुष्ट हैं? सर, यहाँ काम कुछ भी नहीं हुआ गया, यहाँ इतना भ्रष्टाचार हुआ है 5 सालों में जितना कभी नहीं होने को देखा। यहाँ के डिपार्टमेंट में बहुत भ्रष्टाचार किया गया। किस तरह का भ्रष्टाचार है? आप जनता को लूटा गया है, कोई कार्य टाइम पर हुआ नहीं जनता के, तहसीलों के नगर पालिका को चक्कर लगाने पड़े जनता के। विधायक कौन है आपका? विधायक ओम प्रकाश हुडला, निर्दलीय विधायक है यहाँ से। निर्दलीय विधायक, क्या मन बना रखा है कि किसको वोट देना है यहाँ से? अब तो अजीत सिंह जी महुआ, वो कांग्रेस से टिकट लाएंगे और उसको वोट देंगे। आप प्रत्याशी को देखकर वोट देंगे या टिकट को देखकर या फिर पार्टी को देखकर? प्रत्याशी को देखकर, अजीत सिंह जी महुआ है यहाँ से। तो उनसे क्या उम्मीद है आपकी? सर, उनके पिताजी रहे थे यहाँ पे, 4 बार विधायक रह चुके थे यहाँ, उनके टाइम पे अच्छा कार्यकाल भी रह चुका है, ना कोई भ्रष्टाचार रहा है, ना कोई गुंडागुर्दी रही है, यहाँ उनके टाइम पे बहुत अच्छा रह चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इन बातचीत करते हैं। भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह का? जबरदस्त हुआ है, हर डिपार्टमेंट में हुआ है, सबके मोबाइल नंबर ले रखे हैं और जो आदमी जाता है उसे पैसे लेता है, कोई भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, लगा चपरासी से लेकर अधिकारी तक सब भ्रष्ट है। कौन लेता है पैसा? एमएलए कौन है आपके? ओम प्रकाश हुडला। आपने वोट तो दिया था उसको? नहीं दिए थे हमने तो, उन्हें दें। तो किसको वोट देना चाहेंगे आप? जो बढ़िया आदमी होगा, जो बढ़िया काम करेगा उसके लिए देंगे, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। आपके हिसाब से कौन बढ़िया है? अब जो भी उतरेगा देख लेंगे, अभी से तो बहुत बहुत जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, जो उतरेगा कैंडिडेट देख लेंगे। आप पार्टी को वोट देंगे या फिर कैंडिडेट को वोट? हम तो बढ़िया कैंडिडेट होगा, पार्टी कोई सी भी हो, चाहे निर्दलीय हो, कैंडिडेट को वोट देंगे। कैंडिडेट ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार कैंडिडेट जी, आप बताइए। कैंडिडेट ईमानदार उसको देंगे। किस तरह का ईमानदारी चाहिए आपको? जो काम करवाएगा उसको देंगे। आप जो विधायक है आपका, उससे वो कैसा काम कर? वो विधायक को काम नहीं किया हमारा। क्या काम आपने कहा था, क्या काम नहीं? मैंने कहा था एक डोरी के लिए, मंदिर के लिए डोरी दी थी मुझे उसे 200 मीटर की, एक 10 मीटर डोरी कुंदी। सड़क पानी बिजली कुछ नहीं बढ़वा, कुछ भी नहीं है। आए के हुडला जी, कैसा काम हुआ है? अब ठीक कर रहे हैं, सरकार के हिसाब से, सरकार के हिसाब से सही कर रहे हैं। तो सारे विकास कार्य हुए हैं? सारे विकास कार्य हुए, रोड पानी बिजली सब कुछ। हाँ, सारी सुविधा मिल रही है। तो आप पार्टी को वोट देंगे या फिर कैंडिडेट को? अब पार्टी को देंगे हम तो। कौन सी पार्टी पसंद को देंगे? बीजेपी। हाँ, अगर हुडला साहब को टिकट कांग्रेस दे देती है फिर किसको देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। कारण क्यों बीजेपी को? अब वो पार्टी से बंधे हुए हैं जो, इसलिए। काम तो कांग्रेस गवर्नमेंट, आपने कहा कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम किया। हम तो बीजेपी के हैं, जो बीजेपी को देंगे, बीजेपी के कट्टर बीजेपी, कट्टर बीजेपी, बीजेपी को, बीजेपी को वोट। और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? शकील खान। शकील जी, किसको वोट देने का मन बना रखा? कांग्रेस को देखें साहब,
कांग्रेस को? गहलोत जी ने सारी सुविधा की है, सारी सुविधा गिनती कर लो कोई 20 सुविधा की है, किसी कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया आज तक। और विधायक ने भी जो अपने यह क्या नाम है ओम प्रकाश हुड्डा जी है, इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब नूह साहब छोटी मोटी तो मिस्टेकिंग हर एक नेता में रहता है, बाकी गहलोत जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी आज तक। 9.5 साल के अंदर बहुत अच्छी सुविधा की है, कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकती, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को। साहू जी तो कह रहे बीजेपी आनी चाहिए, क्या सुविधा करिए बीजेपी ने बता, पूछो सुविधा क्या दी है साहू जी, बीजेपी ने कौन सी सुविधा दी आपको? जो 10वें 12वें स्थान पर था, जो 3रे 4थे स्थान पर लिया, भारत देश को और क्या करेगा। हाँ यूँ कह रहे हैं कि भाई 3रे 4थे स्थान पर आ गया विकास में, एक आध सुविधा तो बताओ क्या सुविधा की है। सुविधा सारी दे रहा है, आगे से आगे सुविधा दे रहा है, अल्पसंख्यकों को मकान दे रहा है, लेटरिन बाथरूम सब बना के दे रहा है अल्पसंख्यकों को। ये यूँ कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को मकान दे रहे हो, तो या का वोट तो जीता साहब, ये तो कांग्रेस आएगी वो जो दोबारा। मैं कह रहा हूँ चाय की थड़ी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर महुआ विधानसभा में किस तरह के काम हुए हैं। क्या नाम भाई साहब? महेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी महुआ विधानसभा में किस तरह के काम हुए हैं विकास? महुआ में ना हो और जी हो भाई काम, महुआ में कतई काम ना हो। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में किसको वोट देंगे? कैंडिडेट को देंगे भाई, कैंडिडेट देख कर देंगे। ऐसा कैंडिडेट सही स्वच्छ वाला ईमानदार वालों ईमानदार कैंडिडेट। 2.5 साल से हुड्डा जी विधायक है आपके, और इस बार तो सरकार का हिस्सा भी है, फिर भी काम नहीं हुआ ना हो भाई? क्या स्टैंड पर प्याऊ को पानी ना, स्टैंड पर कतई काय को विधायक है, स्टैंड में प्याऊ को एक प्याऊ नहीं है, चारों स्टैंड में कोई साहब चल जा। किस तरह के कामों की इच्छा थी, किस तरह के घोषणा की? पैसा दे काम करवावे, पैसा लेवे और काम करावे। पैसे किससे लेता है? आदमी से लेता है, जिससे कहा जब काम होता है आदमी का। अच्छा रिश्वत लेके काम? बस आप किस तरह के कैंडिडेट देखना चाह रहे? ईमानदार स्वच्छ वाला कतई कोई ईमानदार तो आएगा, जब पता पड़ेगा भाई यार पार्टी पार्टी का कोई पार्टी का ना तो कैंडिडेट को दे वोट। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का आखिर काम हुआ विधानसभा में। क्या नाम है भाई साहब? शिवराम है भाई साहब। शिवराम जी महुआ विधानसभा में किस तरह का विकास कार्य हुआ है, नहीं हुआ, आपके 9.5 साल से जो विधायक हैं उन्होंने काम किया नहीं किया? काम तो किए हुआ साहब, आक्रमण तो किए ही है, जितनी क्षेत्र को जरूरत थी उतना किया, ऐसा तो कम ही किए हो कम, पर काम काफ़ी करें अब के साल में, पिछले साल में तो 5 साल पिछले में तो करे नहीं कुछ भी, अब के 5 सालों में तो काफ़ी काम किए हैं इसने। पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया, इस बार कैसे कर दिया काम? अब का पते मालूम ना है साहब, पहले क्यों नहीं किए। अब की बार विधानसभा चुनाव पास में है तो कैसा प्रत्याशी देखना चाहेंगे आप? अभी तो साहब समय बताया वो कैसे देखें, सब जनता की भावना होगी जितने जुड़ेंगे। पार्टी को वोट देंगे आप या फिर प्रत्याशी? अब तो पार्टी को ही वोट देंगे, प्रत्याशी तो कौन है बने कौन ना बने। कौन सी पार्टी पसंद है आप? अभी ईआई की पसंद है, कौन सा वोट लाए टिकट लावे नहीं, ये अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता कहीं से भी तो फिर वोट किसको देंगे? फिर तो पार्टी को ही देंगे। कौन सी पार्टी को देने का मन बना रखा है? हमने तो कांग्रेस को मन बनाया। कांग्रेस का योजनाएं अच्छी लगी है? क्या नाम है आपका? हम तो दोनों जगह ये काम गए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? गोविंद। गोविंद जी किस तरह का काम आपको अच्छा लगा, विधायक का या फिर कोई दूसरा चुनने का मन बना रखा? कोई चुनने का मन नहीं कर रहा, कोई भी चुनने का मन विधायक बढ़िया काम कर रहा है बेचारो। अच्छा। टाइम टाइम से सड़क बनवा दी हमको, ज़्यादा परेशान सड़क की हमारी, एक पानी की ज़्यादा परेशानी है, पानी गाँव में भर जाए है, वह पानी की सुविधा नहीं आ रही, नलर में पानी दाई ना रही। हाँ और ये बोर कटे हैं, अब ये टंकी भरे ये नल नहीं आ रहे, तो बिना पानी के कैसे गुजारा हो रहा है? वैसे चल रहा है डायरेक्ट। इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कुछ दिन में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, तो पार्टी को वोट देंगे या फिर कैंडिडेट को? पार्टी को ही देंगे। कौन सी पार्टी को? अभी तो साहब नहीं, मन तो बना रखा होगा। अब जीता है पब्लिक मरेगी होता है हम मर जाएंगे। पब्लिक किस साइड मुड़ने की संभावना है? अभी तो आप अपना तुम्हारे मन को मौको का पता हो, मेरे मन को तुमको का पता हो। तो काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ काम से संतुष्ट है। और भी लोगों से बातचीत आपकी कराते हैं और जानते हैं कि किस तरह का आखिर काम हुआ। क्या नाम है जी भाई साहब आपका?
सुल्तान खान मीरा सिंह। सुल्तान जी, यहाँ 9.5 साल से हुडला जी विधायक हैं, कैसा काम हुआ? बढ़िया हो रहा भाई साहब, कोई हाँ बढ़िया, एक नंबर काम हो रहा, बढ़िया। क्या लगता है कि परिवर्तन होगा या फिर हुडला साहब भी ठीक रहेंगे? बढ़िया होएगा, अब बढ़िया हो तो आगे बढ़िया होएगा, ऐसी कोई बात ना है। कैंडिडेट को वोट देंगे या फिर पार्टी को? जो बढ़िया लगा जो को वोट है, जो काम कराएगा जो को वोट है, तो काम से संतुष्ट हैं। अब देखो अब वोट आने की टाइम आएगी, जब खरीदेंगे किसको देंगे। तहसील रोड देखा ना, कहा सकड़ो हो रहे या वैसे दो दो गाड़ी अड़ जाना, ये जो छोड़ो हुए कम से कम। आप तो कह रहे हो कि भाई काम हो गया पूरा, बढ़िया हो रहा और होएगा, अभी तो वोट पड़ेंगे जब होता ही रहेगा काम। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का काम हुआ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अखबार, हाँ क्या कह रहे हैं आपका नाम? मेरा नाम शीशराम गुजर। शीशराम जी, 9.5 साल से महुआ के विधायक हुडला साहब, तो कैसा काम हुआ आपके विधायक? बहुत बढ़िया काम हुआ साहब, बहुत अच्छा काम हुआ साहब, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम हुआ। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो किसको वोट जाएगा? हुडला को। हुडला पार्टी को या कैंडिडेट? पार्टी को जाएगा। पार्टी कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी को। बीजेपी पार्टी को। अगर हुडला साहब को कांग्रेस टिकट दे तो? नहीं तो बीजेपी को देंगे साहब, तो बीजेपी को। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर लेखराज। आपका वोट किस साइड जाए? मेरा तो सर बीजेपी। बीजेपी को। कारण? ऐसा ही कारण है, वो अपनी समझ। गहलोत सरकार ने काम नहीं किए? अरे सबने किए काम तो सर, अब उसका जैसे अपनी समझ है, किसको देना है क्या नहीं देना है, कैसे, वो अपनी अपनी समझ की बात है। चलो, ये थे हमारे साथ महुआ विधानसभा के कुछ मतदाता, उनसे हमने जाना हाल यहाँ का कि आखिर कौन यहाँ महुआ विधानसभा से प्रत्याशी आएगा जिसे वोट दिया जाएगा, विकास के नाम पर वोट रहेगा या फिर पार्टी के नाम पर वोट। और भी विधानसभाओं का दौरा करके आपको समय समय पर विधानसभा का रिपोर्ट और विधायक का रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में प्रस्तुत करते रहेंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।